देख रहे हैं न्यूज़विक और मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। सोनभद्र हत्याकांड मामले में परिजनों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को पुलिस ने रास्ते में ही रोक लिया और इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस की इस कार्रवाई से गुस्से में है। इस घटना के विरोध में देश भर में प्रदर्शन जारी है। वहीं कांग्रेसी नेताओं ने आज राजधानी जयपुर के JLN मार्ग स्थित गांधीनगर सर्किल पर जमकर प्रदर्शन किया। इस मामले को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। कई सारी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने को लेकर कांग्रेसी नेताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। आखिर क्यों रोक लिया गया? पीड़ित परिवार से क्यों नहीं मिलने दिया गया? अब हम आपको चुनार गेस्ट हाउस की कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां प्रियंका गांधी अभी भी धरने पर बैठी हुई है। उनका धरना अभी भी जारी है। उनका कहना यही है कि न रुकूंगी और ना ही झुकूंगी। मैं पीड़ित परिवार वालों से मिले बिना यहां से नहीं जाऊंगी। मेरा प्रशासन से बस यही कहना है कि वे जहां चाहें वहां मुझे पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात करवाएं। इस मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए, इसका विरोध करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने जयपुर, कोटा, अलवर सहित कई जगहों पर धरना प्रदर्शन किए। वहीं जयपुर में किए गए धरना प्रदर्शन में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियाबास, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता अर्चना शर्मा, आदर्श नगर विधायक रफीक खान, वहीं किशनपोल विधायक अमीन कागजी सहित प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस के पदाधिकारी सहित सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, गांधी वाली देश है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाला देश है, जिसमें एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम लोग यहाँ बैठ करके एक संकेतात्मक धरना दे रहे हैं, जिससे लोकतंत्र को पुनर्जीवित किया जा सके। जनादेश मिलने का तात्पर्य नहीं कि जनता का शोषण करें। उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार मिलकर के विपक्ष की सर्वोच्च नेत्री जो है हमारी प्रियंका गांधी जी, जिन्होंने जाकर के पीड़ित मानवता की गुहार सुनने का काम करने का प्रयास किया था, उन्हें रोका है। तो हमें संदेश देना चाहते हैं कि लोकतंत्र में जितना अधिकार सत्ता पक्ष का है, उतना ही विपक्ष का है। और विपक्ष को अधिकार है कि मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो, नरसंहार हो, तो पीड़ितों के पास जाए, उन्हें संबल बनाए। लेकिन लोगों ने इसको कुचलने का काम किया, उसके लिए हम ये संकेतात्मक धरना देकर जनता की भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहे हैं। समय समय पर हम धरने आयोजित करेंगे, यदि केंद्र सरकार जो है भाजपा की जनता का शोषण करेगी। हमने कभी भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे मुड़ने का काम नहीं किया। हम सत्ता में थे तब भी जनता की लड़ाई लड़ते थे, विपक्ष में तो भी जनता की लड़ाई लड़ेंगे। हर मुद्दे के लिए संघर्ष करेंगे, लोकतंत्र को बचाने का भरकस प्रयास करें। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ युग। नमस्कार।